राधे राधे दोस्तों, कमला विनायक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज मैंने बनाए हैं मिक्स वेज पराठे। तो देखिए मैंने कौन कौन सी सब्जियों का इस्तेमाल करके पराठे बनाए हैं। ये बंद गोभी काट ली है मैंने, एक शिमला मिर्च, एक गाजर और थोड़ी सी फूल गोभी, बीन्स है और ये धनिया पत्ती। अब इसको हमें बारीक काटना है तो मैं इसको मिक्सी में काटूंगी। आप लोग चाहें तो इसको कद्दूकस कर सकते हैं। बंद गोभी और फूल गोभी, गाजर और शिमला मिर्च चाकू से महीन महीन भी काटा जा सकता है, लेकिन मैं इसमें कर ले रही हूँ, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। आप लोग चाहें तो इसमें प्याज, अदरक, लहसुन भी डाल सकते हैं। मैं नहीं डाल रही हूँ, मुझे बहुत पसंद नहीं है लहसुन प्याज। अब मैं आटा लगा लेती हूँ। इसमें आटे में मैंने अजवाइन डाली है थोड़ी सी, नमक डाला है थोड़ा और थोड़ा सा घी मोयन के लिए। घी, रिफाइंड ऑयल कुछ भी मोयन के लिए डाला जा सकता है, जिससे पराठे हमारे सॉफ्ट बनेंगे। तेल भी डाल सकते हैं आप कोई भी। ये सब्जियाँ काट ली हैं, सब्जियाँ भी इस आटे में मैं मिला दूंगी, क्योंकि इसमें नमक डाला है तो थोड़ा सा पानी छूटेगा, इसलिए बहुत हल्का हल्का पानी डालकर हमें गूंथना है आटा। बहुत पानी नहीं डालना है वरना गीला हो जाएगा। ये देखिए आटा गूंथकर मैंने लोइयाँ बना ली हैं। तो मैं इसमें घी लगा लगा के पराठे का शेप दूंगी। इसको तिकोना आप लोग चाहें तो गोल भी रख सकते हैं पराठा, जैसा भी चाहें वैसा बना लीजिए। अब इसको पराठे बेल लिए, देखिए सब्जियां दिख रही हैं अच्छी सी। अब थोड़ा सा घी लगा दिया है तवे पे, मीडियम आंच पे हमें पराठा सेक लेना है। दूसरी तरफ भी घी लगा देना है, हल्का हल्का सा घी लगा करके इसको चित्तीदार पराठा हो जाए अच्छा सा पका लेना है। ये देखिए पराठा हमारा तैयार हो चुका है। ऐसे ही मैं दूसरा पराठा बनाऊंगी। इसमें आप लोग चाहें तो बथुआ है या फिर पालक है, ये सब भी काट कर डाल सकते हैं आटे में। इस समय मेरे पास जो भी सब्जियां उपलब्ध थीं वही डाली हैं मैंने। इसको चटनी के साथ खाइए, आप चाय के साथ खाइए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ही हेल्दी हैं।